राजक साहब ने मेरा केस लड़ा है, जज साहब के सामने 94 गवाह हैं, 94 में से किसी गवाह ने मुझे 9 मई में नहीं देखा। और ये इस मुल्क में रोज़ अदालतों को और लोगों को और गरीब लोगों को, मैं को पागल नहीं हूँ कि हर हफ्ते मैं जब टॉक करता हूँ आसम मनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि गरीबों के आम माफ़ी का ऐलान करें, गरीबों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करें। 90% लोग बेगुनाह हैं, अगर 94 गवाहों ने मुझे नहीं देखा तो फिर किस सैटेलाइट सयारे से मुझे देखा गया इस केस में डालने के लिए। और क्योंकि नज़रें तो दूसरे मुल्क के इलेक्शन की तरफ हैं, अपने मुल्क के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उस पर बात करने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। सारा मुल्क, सारी क़ियादत मुल्क को स्मोग में छोड़ गई है और ख़ुद मुल्क से बाहर है, क्योंकि ये स्मोग के कम में पाकिस्तान नहीं रहना चाहते। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हक और सच की फतह होगी, और इंशाअल्लाह ताला याह्या अफरीदी इन्हें लेब डूबेगा। चीफ जस्टिस जो नए आए हैं, ये जिस गलतफहमी में हैं, ये इनकी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी, ये साल आसानी से इनसे नहीं कटेगा और होगा वही जो मेरे अल्लाह को मंजूर है। इकॉनमी तबाह है, ये क्यों जा रहे हैं इधर और उधर? $1 मिलियन इनको नहीं मिला अभी तक, IMF वाले भी आ रहे हैं और एक बजट भी सुना है कि नया ला रहे हैं। सारे वो काम कर रहे हैं जिससे गरीब के गले पर छुरी फिर रही है। स्कूलों में जाके देखें जनाब कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं। इस दफ़ा कितने दाखिले कम हुए हैं, मैं इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा सिर्फ दाखिलों पर, कि सिर्फ 18 से 20% बच्चियों ने दाखिले लिए हैं, उनके पास दाखिला फ़ीस जमा कराने के पैसे नहीं हैं। मैं पंजाब की हुकूमत से कहूँगा कि दाखिला फ़ीस को ख़त्म कर दिया जाए। ये जो हमने जाल बिछाया 60 तालीमी अदारों का, बच्चियों के तालीमी अदारों का उनके घरों के अंदर, वो फेल होने जा रहा है। और मेरा माँ बच्चा अस्पताल से लोग सामान उठा के ले जा रहे हैं, एक चौकीदार नहीं ये लगा सकते, ढोक दलाल का कॉलेज तैयार पड़ा है, फर्नीचर नहीं डाल सकते, ये सिर्फ़ एक ही काम कर सकते हैं। और जो काम वो कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा तो फिर लोग कहेंगे जी एक और नए केस की तरफ जाना पड़ेगा। देखें, मैं सियासत में सियासत ज़रूर करता हूं, लेकिन मेरे साथ 40 दिन का चिल्ला गुजरा, मुझे सारी ज़िंदगी इसका दुख रहेगा मरते दम तक, क्योंकि मैं हमेशा ये सब लोग गेट नंबर 4 की पैदावार है समेत मेरे, इसलिए मैं अवॉइड करता हूं कि कभी भी फौज के बारे में बात करूं। जी, ट्रंप के आने के बाद इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? देखें, इमरान खान की रिहाई जब अल्लाह को मंजूर होगा उसी वक्त होगी, उससे पहले डेटें जो दे रहे हैं वो नजूमी होंगे, लेकिन अल्लाह को पता है कब उसकी रिहाई होनी है। मैं तो पहले आपको कहता था ट्रंप जीतेगा, क्योंकि नौजवानों की बड़ी तादाद अब पाकिस्तान में भी जो है ये किसी को IK को गैर मकबूल करने की जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, लोग खामोश ज़रूर हैं, लेकिन नून और पीपल्स पार्टी अवाम में जगह नहीं बना सकी। फजलुर्रहमान साहब ने जगह बनाई है, उन्होंने अपना अपग्रेड किया है, बाकी नून और पीपल्स पार्टी ने अपना काम और गड़ा खोदा है अपनी सियासत के। मेरी आलमी सतह पे नज़रें इस तरफ हैं, गजा में क्या हो रहा है, मेरी नज़रें हैं कि ईरान ने अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है, चीन ने अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है, और पाकिस्तान के लीडर सारे बाहर हैं क्योंकि पाकिस्तान में स्मोग है।